आप अपनी आंखें मलते हुए सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कैलिफोर्निया में बिग सर के तट पर समुद्र तल पर सर्कुलर होल्स बन गए हैं। आप नहीं जानते हैं कि यह कैसे हुआ, भले ही आप एक मरीन बायोलॉजिस्ट हैं जो सालों से इसके बारे में खोज कर रहे हैं। आप कुछ पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हैं और पता करते हैं कि ये होल्स 90 के दशक के आसपास के हैं। साल 1999 में एक जहाज पर लगे सोनार ने समुद्र तल पर करीब 1300 वर्ग किलोमीटर में फैले इन 5200 पॉक मार्क्स या बड़े क्षेत्रों को पाया। पानी के नीचे वे मून क्रेटर्स जैसे दिखते हैं। आप अपनी टीम से कांटेक्ट करते हैं और इस जगह को एक्सप्लोर करने और कुछ सैंपल्स लाने के लिए रोबोट भेजने के लिए तैयार करते हैं। आप और टीम ड्राइव करके वहां तक जाते हैं और नाव पर चढ़ते हैं। आप अंदर बैठे हैं और जॉयस्टिक से रोबोट को कंट्रोल कर रहे हैं। आपकी टीम का एक साथी रोबोट को पानी में सेट करता है और वो नीचे गोता लगाता है। सरफेस के पास सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही रोबोट नीचे जाता है पॉक मार्क्स दिखने लगते हैं। कुछ बोट्स आपसे आगे तेजी से निकलते हैं जिससे आप अपना बैलेंस और फोकस खो देते हैं। रोबोट फ्लैश लाइट ऑन करता है जिससे आप बेहतर देख सकें, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे जाता है रेजोल्यूशन कम होता जाता है। यह लगभग नीचे तक पहुंच जाता है। होल्स चिकने और परफेक्ट सर्कुलर शेप के हैं। इनमें से कुछ होल्स जो सोनार रीडिंग में दिखाई दे रहे थे वे 30 फीट से ज्यादा चौड़े और करीब 15 फीट गहरे हैं। आप अपनी टीम के बाकी साथियों को इमेजेस दिखाते हैं और वे भी इन्हें देखकर चौंक जाते हैं। रोबोट तैरना जारी रखता है, लेकिन वहाँ चारों तरफ और होल्स दिखाई देते हैं। उनमें से कई इतने छोटे हैं कि ऊपर से स्कैनर उन्हें कैप्चर नहीं कर पाता। ये माइक्रो डिप्रेशन एकदम सीधी लाइन में है। मुमकिन है कि पानी के नीचे की धाराओं के कारण उनकी शेप ऐसी दिख रही हो। रोबोट जहाँ भी तैरता हुआ जाता है वहाँ चारों ओर नए होल्स मिलते हैं। कुछ घंटों के बाद रोबोट कुछ सैंपल्स के साथ नाव पर वापस चला जाता है। आप उन्हें वापस लैब में ले जाते हैं और स्टडी करते हैं। रोबोट मानव अवशेषों की भी कुछ तस्वीरें लेता है, लेकिन सैंपल्स फिलहाल कोई खतरे का संकेत नहीं देते हैं। बावजूद इसके कि एक तिहाई जगहों पर कचरा फैला है, फिर भी अभी इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वे कैसे बने। बहुत रात हो चुकी है और आपकी बाकी टीम घर लौट जाती है। आप बहुत थक चुके हैं, फिर भी कुछ जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगले दिन उठते हैं और ब्रेकफास्ट बनाते समय आपको यह ख्याल आता है कि हो सकता है कि ये होल्स गैसों के बाहर निकलने के लिए हों, जो मरीन लाइफ के लिए खतरनाक हो सकती हैं। आप जल्दी से रोबोट लेते हैं और एक बार फिर समुद्र के लिए रवाना होते हैं। इस बार आप अपने टीममेट्स को बुलाने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। आप रोबोट को पानी में रखते हैं और इसे कंट्रोल करने के लिए स्क्रीन के पीछे आ जाते हैं। रोबोट समुद्र के तल में उतरता है और सर्वे करता है। होल्स अभी भी कचरे से भरे हुए लगते हैं, लेकिन कुछ होल्स में मछली और समुद्री शैवाल भी मिलते हैं। बहुत खोज के बाद ऐसा नहीं लगता है कि वे कोई बबल्स पैदा कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि वहाँ कोई गैस तो नहीं है, लेकिन आप उन्हें ढूंढने में जुटे हैं। थोड़ी देर बाद आप उन बड़े पॉक मार्क्स में से एक पर पहुँच जाते हैं और रोबोट चारों ओर स्कैन करना शुरू कर देता है। आप एक सोर्स से बबल्स बाहर आते देखते हैं, लेकिन रोबोट उस तक नहीं पहुँच सकता। एक जगह खोजने की कोशिश करते हुए यह चारों ओर तैरता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। आप रोबोट को वापस लैब में लाते हैं और उस पर काम करते हैं। आप उस पर कुछ मैकेनिकल आर्म्स जोड़ते हैं जो चीजों को उठा सकती है और उन्हें हिला सकती है। आप रोबोट को वापस उसी जगह लाते हैं, लेकिन बबल्स पहले की तरह बार बार नहीं बन रहे हैं। आप कुछ कचरा उठाने के लिए रोबोट के आर्म्स का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि प्लास्टिक के ढेर के बगल में कुछ केकड़े बबल्स बना रहे हैं। बिंगो! बुरी खबर यह है कि आपको अभी भी कोई क्लू नहीं मिला है कि माइक्रो डिप्रेशंस और पॉक मार्क्स क्यों मौजूद हैं। जब आप सरफेस पर वापस जाने के लिए रोबोट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो एक ऑक्टोपस रोबोट को पकड़ लेता है और उसे नीचे खींचता है। आप रोबोट को इसकी मैक्सिमम पावर तक ले जाते हैं, लेकिन ऑक्टोपस की पकड़ इतनी मजबूत है कि रोबोट छूट नहीं पाता। यह ऑक्टोपस और आपके रोबोट के बीच टग ऑफ वॉर का खेल है। यह रोबोट को अपना लंच समझते हुए कचरे के ढेर के नीचे ले जाता है, लेकिन आप रोबोट को बाहर निकालने और सरफेस पर वापस लाने के लिए आर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आप और भी कंफ्यूज्ड होकर लैब में वापस जाते हैं। रोबोट ने अपनी स्टडी के लिए और सैंपल्स इकट्ठा किए हैं। आपकी आंख माइक्रोस्कोप से चिपकी हुई है।
यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। ये होल्स कितने पुराने हैं ये पता करने के लिए आप कार्बन डेटिंग टेस्ट करने का फैसला लेते हैं। कुछ देर बाद आप रिजल्ट्स चेक करते हैं और पहले से भी ज्यादा दंग रह जाते हैं। पता चलता है कि होल्स लगभग 400,000 साल पुराने हैं। तो यह मुमकिन है कि ह्यूमन ट्रैश इन सब का कारण नहीं था। आप सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करते हुए कई रात लगे रहते हैं। आप एक बार फिर अपनी टीम को इकट्ठा करते हैं और इस बारे में एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप दावा करते हैं कि ये कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में हमें ज्यादा चिंता करनी चाहिए, लेकिन आप जितना जानते हैं उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बता सकते। पूरे ब्रेन वर्क के बाद आप पाते हैं कि बड़े पॉक मार्क 50,000 से ज्यादा सालों से न तो बदले हैं और न ही एक्टिव हैं। मुमकिन है कि नए होल्स मानव अवशेषों के समुद्र तल में बैठने से बने हों। समुद्री जीवों ने इस कचरे में से प्लास्टिक और मछली पकड़ने के गियर जैसे ट्रैश को इकट्ठा किया और अपने लिए एक घर बना लिया। यही कारण है कि लगभग 4500 होल्स नए हैं और उनमें कचरा भरा है। लेकिन अभी भी इसका जवाब नहीं मिला है कि होल्स क्यों बने। आप जहां से चले थे वहीं वापस आ गए यह देखने के लिए कि असल में क्या हो रहा है। पानी के नीचे से कचरा साफ करके उसकी स्टडी करना ही एकमात्र तरीका है। ये कहानी लोकल कम्युनिटी में सुर्खियां बटोरती है और एक क्लीनअप क्रू का ध्यान खींचती है। आप समुद्र की ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं और सारा कचरा निकालना शुरू करते हैं। कई क्लीनअप बोट्स आती हैं और हर कोई कचरा इकट्ठा करने के लिए जाल बिछाता है, यह देखने के लिए कि जाल सही जगह तो हिट कर रहा है। आप रोबोट को एक बार फिर नीचे भेजते हैं क्योंकि ज्यादातर कचरा इकट्ठा किया जा रहा है। कई समुद्री जीव इधर उधर भागते हैं और बचने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। हर कोई ये ध्यान रखता है कि उन्हें चोट न पहुंचे। कुछ हफ्ते बाद सभी होल्स में से कचरे को साफ कर दिया जाता है। आप सरफेस से एक बार फिर से सोनार से स्कैन करते हैं और होल्स को पहले के मुकाबले में ज्यादा सफाई से देख सकते हैं, लेकिन आपके पास अभी भी इसका जवाब नहीं है। यह देखने के लिए कि क्या दुनिया भर में कोई और होल्स भी दिखाई दिए हैं, आप थोड़ी और रिसर्च करते हैं। देश के दूसरी तरफ फ्लोरिडा के गल्फ कोस्ट में एक रहस्यमयी ब्लू व्हेल है। आप तुरंत फ्लोरिडा के लिए फ्लाइट पकड़ते हैं और एक्सपीडिशन के इंचार्ज साइंटिस्ट के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। ब्लू होल्स अंडरवाटर सिंक होल्स हैं जो समुद्र तल के नीचे खुलते हैं। सरफेस की तरह ही पानी के नीचे की दुनिया में भी सिंक होल्स होते हैं। इसे ग्रीन बनाना कहते हैं और यह 150 फीट नीचे है और ये होल 435 फीट गहरा है। आप बाकी टीम के साथ कुछ स्पेशल गियर लेकर एक बंजर समुद्र तल पर गोता लगाते हैं और वो होल ठीक आपके सामने है जो रेगिस्तान में किसी हरे भरे मरुद्यान जैसा दिखता है। आप और बाकी साइंटिस्ट्स वहाँ अंदर रहने वाले समुद्री जीवों को देखकर हैरान हैं। कुछ समुद्री कछुए आपके सामने से तैरते हैं, यहाँ तक कि शार्क भी। ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। आधे रास्ते के बाद आप एक सकरे रास्ते पर पहुँच जाते हैं जिससे इंसानों का गुजरना मुश्किल है। सभी बेहद सावधानी से जाते हैं। वहाँ कोनों में कोरल्स, स्पॉन्जेस और मोलस्क हैं। आप कुछ सैंपल्स इकट्ठा करते हैं और लैब में वापस जाते हैं। ब्लू होल्स बंजर जमीन के मुकाबले में न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं और वहाँ बहुत से यूनिक समुद्री जीव भी रहते हैं। वे बहुत कॉमन हैं और किसी के लिए भी कोई खतरा नहीं है। खोजबीन के बाद आपको नहीं लगता है कि कैलिफोर्निया के कोस्ट के होल्स का ब्लू होल से कुछ लेना देना है। मिस्ट्री अभी भी जारी है।